अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मिर्ज़ा सामा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जिस मॉडल का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो गूगल पिक्सल 4 है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, और ये वाला फ़ोन मेरे पास अवेलेबल भी है। अगर आप ये हमसे फ़ोन परचेज़ भी करना चाहते होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मिल भी जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो नाज़रीन, एनीवे सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कंडीशन के बारे में। ये वाला फ़ोन मेरे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर के अंदर, गूगल पिक्सल 4। ये आप चेक करें, कंडीशन इसकी 10x9 है। माइनर से स्क्रैचेज हैं इसके ऊपर, बाकी टोटली ऑल टू ऑल जेन्युइन फ़ोन मेरे पास अवेलेबल है वाटर पैक कंडीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं नाज़रीन इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। नाज़रीन, अगर हम इसकी रैम की बात करें तो नाज़रीन इसकी 6GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। ये आप चेक कर लें, ये गूगल पिक्सल 4। और कैमरे सेटअप की बात करें तो माशाल्लाह ये फुल पोर्ट्रेट HD डिस्प्ले के साथ ये इसका कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। अगर आप कोई बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 2023 के अंदर 40,000 से 50,000 की रेंज में, या फिर 35,000 से 50,000 की रेंज में, तो मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला फ़ोन ज़रूर परचेज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं इसके नाज़रीन डिस्प्ले के बारे में। नाज़रीन, इसका 5.8 इंचज़ का एक HD डिस्प्ले है इसको, और इसके अंदर जो सिक्योरिटी लॉक मिलता है वो आपको फेसन लॉक देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम बैटरी MAH की बात करें तो नाज़रीन इसकी 5000 की MAH की बैटरी है, 18W की फास्ट चार्जिंग है। इसके अंदर प्रोसेसर भी बहुत VIP लगाया। अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला फ़ोन ज़रूर परचेज़ करें। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।